नमस्कार, आज मैं आपको पेंसिल और वूल से फ्लावर बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने ये वूल लिया है और ये पेंसिल है मेरी। इसको हम इस तरह से इधर पकड़ लेंगे। यहां से हम इसको फिर इस पे इस तरह से लपेटना शुरू करेंगे। इस तरह से हम इसको लपेटते जाएंगे। एक बार लपेट के भी बना सकते हैं इसको, और मैं इस पे और दोबारा भी लपेटूंगी अभी वूल को। इसके बाद हम फिर इसको इसमें से निकालना शुरू करेंगे। हमारी जो ये पेंसिल की जो टिप पे हमारी वूल है, ये वाला धागा, इसमें हम इधर से इसका ये वाला लेंगे इस, और ये वाले को हम धागे को इसके अंदर से निकाल देंगे। इस तरह से निकाल के फिर हम इसको इधर पकड़ लेंगे और इसको हम इस पे से पेंसिल से निकाल देंगे वूल को। पूरा निकालने के बाद फिर हम इसको इस तरह से खींच देंगे। ये हमको इसी से खींचना है, बस इसी से हमारा ये खींचेगा, दूसरी वाली से नहीं, क्योंकि इससे हम इस पे फंदे लगाए हैं तो इससे तो हमारा ये खराब हो जाएगा। फिर इसमें फिर हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे। को हम यहां से कट कर देंगे। ये काटते समय हमारा ये ध्यान रखना है कि इस ये वाली जो बोल है हमारी लपेटी हुई वाली जो जिससे हमारा बना है फ्लावर, उसको नहीं कट करना है। ये हमारा इस तरह से फ्लावर बन जाएगा। इसको बनाने का बहुत इजी तरीका है, आराम से बन जाते हैं ये फ्लावर्स, इससे पेंसिल और बस वूल से ही बन जाते हैं खाली। मैंने ये फ्लावर बना रखे हैं, अभी ये बनाए हैं, इससे मैं आपको माला बनाना सिखाऊंगी क्रोशिया की मदद से। भी डाल दिया इसमें, इसके बाद हम ये फ्लावर्स जो बनाए हैं मैंने, ये हम इसमें डालते जाएंगे। पहले इसको सारे फ्लावर्स में वूल में इसमें डाल दूंगी, उसके बाद फिर क्रोशिया से मैं बनाऊंगी इसको। फ्लावर्स डाल लिए मैंने, इसके बाद हम बनाना शुरू करते हैं। जितना मेरा यूज हो जाएगा माला में, उसके बाद जो बचेगा उसको हम निकाल देंगे। ये फ्लावर्स हम इस साइड को रखेंगे, जिस साइड को हमारा गोला है वो, और इस साइड से हम बनाना शुरू करेंगे।
यहाँ मैं 10 की चेन ले रही हूँ पहले, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर हम ये वूल को ऐसे लूज रखेंगे इस तरह से, और इसके नीचे वाले में इसमें हम बनाएंगे इस तरह से लूज बना बना के, 5 टाइम में बनाऊंगी। 2 हो गया, 3, 4, 5, इसके बाद हम एक साथ इनको निकाल देंगे। फिर हम इसको फंदे को अपना इसमें से इसके होल में से निकाल देंगे। इस तरह से फ्लावर इसके अंदर आ जाएगा। फिर हम यहाँ 10 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टेन के बाद फिर से मैं यही बनाऊंगी। इस तरह से लूज रखेंगे, फिर 5 टाइम बनाऊंगी, 1, 2, 3, 4, 5। इसके बाद हम इसको इस तरह से निकाल देंगे। फिर से हम चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 बनाने के बाद फिर एक फ्लावर डाल देंगे इसके अंदर। ये वाला बनाएंगे 10 चेन के बाद। Oh.
नाइन टेन, टेन के बाद हमको एक फ्लावर फिर अंदर लेना है इसमें। इसी तरह से मैं पूरा माला बनाऊंगी। फ्रेंड्स मैंने ये बना दी है इतनी, मुझे इतनी बड़ी बनानी है। अभी इसके बाद में फिनिश कर रही हूँ इधर, इसके अंदर से हम निकाल देंगे। यहाँ एक हम नॉट टाइप लग जाएगा हमारे, इस तरह से नॉट लग गया ये। अभी हम इसको कट कर देंगे। माला बन चुकी है, इसमें मैं नीचे इधर लटकाने के लिए छोटी छोटी दो लटकन बना रही हूँ। इसके लिए मैंने ये मोती लिया है, एक एंकर डालूंगी फिर एक मोती। इसमें भी मैंने ये दो फ्लावर डाल दिए हैं। फोर चेन बनाई है मैं।